के मुराब थाना क्षेत्र के त्यागी नगर में रहने वाले एक ब्राह्मण समाज के पीड़ित परिवार ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। दरअसल त्यागी नगर मुराब में रहने वाले महेंद्र शर्मा की नाबालिग पुत्री जो कि 10वीं कक्षा की छात्रा है, विगत 16 अप्रैल को कपड़े लेने जाने के लिए दोपहर में घर से निकली थी। उसके बाद वो वापस नहीं लौटी। वहीं जब घर वालों ने अपनी पुत्री की तलाश की तो उसका पता कहीं नहीं चला, बल्कि पड़ोस में रहने वाले एक युवक भी अपने घर से गायब था, जिसके चलते इस बात की जानकारी नाबालिग के घर वालों ने मुराब थाने में दी, लेकिन जब से लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। समस्या ये है सर, बच्ची का मामला भी सर जी, हम आज एक महीना 7 दिन से परेशान हैं। कोई ना हमारी पुलिस सुनवाई कर रही, ना कोई सुनवाई कर रही। हम CSP, DSP, कलेक्टर सब क्या हुआ है, हमने आवेदन भी लगा दिए, सोपे भी बात कर ली, सब जी आवेदन दे रहे हैं कि नहीं हो रहा है, आपका काम हो रहा है। अब हो रहा कम से हो रहा है, आज 1 महीना 7 दिनों के अंदर बच्ची मार डाली, क्या कर दी, पुलिस सुनवाई को नहीं कर रही हमारी। बच्ची को गायब हुए 1 महीना 7 दिन, क्या बोल रही है पुलिस लगातार? पुलिस जो कर रही है, हम कर रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं, आपको काम कर रहे हैं, अभी तक कोई काम नहीं। सकबरा कुछ संदेह? शक दीपू पे है, दीपू ले गया, बलवा ले गया, दीपक दीपू गुजर बेटा, हाँ बेटा उसके बाप का नाम है, नहीं है। उसी दिन से ताला डाला हुआ है, 18 तारीख से उनके घर से पड़ोसी है, जस्ट दीवार से दीवार लगी हुई है, उसी दिन से वो बच्चे ही कहाँ पे FIR करवाई है, नाम दर्ज करवाई है, मैं उस पर सुनाई मुराद थाना सुनवाई नहीं हो रही, 1 रुपये की सुनवाई नहीं हो रही। बच्ची घर से कह गई थी, पापा मैं अभी सूट सिलवा के आ रही हूँ मम्मी से, कह के गई थी, और तब से आई लौट के नहीं हूँ।